नमस्कार, मैं प्रिया। साप्ताहिक रोजगार समाचार में आपका स्वागत है। आज साप्ताहिक रोजगार समाचार में हम आपसे बात करेंगे एमपीपीएससी, रेलवे आरसीएफ, सीपीईबी, सीजीवी, वाईएपीएएम, VCBL, इंडियन कोस्ट गार्ड, DSSSB, एम्स, हेल्थ डिपार्टमेंट हरियाणा, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब, PSSSB, JPSC, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन MPPSC की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। परीक्षा का नाम है MP स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम। पद का नाम है फॉरेस्ट रेंजर, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट रेंजर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 63 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास बैचलर्स डिग्री साइंस में या एग्रीकल्चर में या फॉरेस्ट्री में या मैकेनिक्स में या इसके समकक्ष कोई डिग्री होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 40 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR को ₹500, SC ST, OBC, PWD जो कि सिर्फ मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं उन्हें ₹250 और बाकी दूसरे राज्य के लोगों को ₹500 आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। आखिरी तारीख 9 फरवरी 2022 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.mppsc.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है ट्रेड अप्रेंटिस। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 56 है। जहां तक ट्रेड की बात है तो इसमें फिटर, वेल्डर, मैकेनिस्ट, पेंटर, कारपेंटर, मोटर व्हीकल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, एसी एंड रेफ्रिजरेटर मैकेनिक तय किए गए हैं। इसके साथ ही शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मैट्रिकुलेशन पास 50% अंकों के साथ और ITI रेलिवेंट ट्रेड में होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 15 से 24 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR OBC के लिए ₹100, SC ST PH और महिलाओं के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 31 जनवरी 2022 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप rcf.indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है फूड इंस्पेक्टर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 84 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 30 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR को ₹350, OBC को ₹250, SC ST को ₹200 आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे विशाखापट्टनम कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड VCBL की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है प्रोबेशनरी ऑफिसर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 30 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास ग्रेजुएशन 60% अंकों के साथ होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 20 से 32 साल के अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन भर सकते हैं। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को ₹1,000 आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 31 जनवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.vcbl.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है इंजन ड्राइवर, सारंग लश्कर, फायर इंजन ड्राइवर, फायरमैन, सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, मोटर ट्रांसपोर्ट फिटर, स्टोर कीपर, स्प्रे पेंटर, मोटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिक, लश्कर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, प्यून, अनस्किल्ड लेबरर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 96 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास मैट्रिकुलेशन और ITI, डिप्लोमा रेलिवेंट ट्रेड में और वर्किंग एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 30 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 31 जनवरी 2022 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.indiancoastguard.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSSB की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 26 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास LLB डिग्री और वर्किंग एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 35 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR OBC EWS को ₹100 और बाकी सभी श्रेणी के लोगों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 9 फरवरी 2022 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप dssb.delhi.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स नागपुर की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है ट्यूटर क्लिनिक इंस्ट्रक्टर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 17 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास ग्रेजुएशन नर्सिंग में या डिप्लोमा रेलिवेंट ट्रेड में होना अनिवार्य है। इसके अलावा 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी अनिवार्य किया गया है। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 35 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR EWS OBC EXSM को ₹1,000, SC ST को ₹800,
पीएनओडी को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 7 फरवरी 2022 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप aims.nagpur.edu.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट हरियाणा की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है मेडिकल ऑफिसर MO। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 980 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास MBBS मेडिसिन और सर्जरी में होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 22 से 42 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो पुरुष जो UR के हैं, जो सिर्फ हरियाणा के रहने वाले हैं और सभी रिजर्व कैटेगरी जो दूसरे स्टेट के रहने वाले हैं उनके लिए 1000 रुपए, और महिला जो UR है और हरियाणा की रहने वाली है और बाकी सभी रिजर्व कैटेगरी जो दूसरे स्टेट की रहने वाली है उन्हें 250 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। और मेल और फीमेल दोनों SC OBC और EXSM जो हरियाणा के रहने वाले उन्हें भी 250 रुपए जमा करने होंगे। PH को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 30 जनवरी 2022 तय की गई है। वही आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप haryanahealth.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है मास्टर्स कैडर टीचर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 4161 है। जहां तक सब्जेक्ट की बात है तो इसमें मैथ्स, साइंस, हिंदी, पंजाबी, सोशल साइंस, इंग्लिश, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन तय किया गया है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री रेलिवेंट डिसिप्लिन में और BEd, BPEd या DPEd, PSTET क्वालिफाइड होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 37 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR को 1000 रुपए, SC ST को 500 रुपए, EXSM को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 30 जनवरी 2022 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप educationrecruitmentboard.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड PSSSB की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है स्टेनोटाइपिस्ट, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 334 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास ग्रेजुएशन और शॉर्ट हैंड टाइपिंग में अच्छा ज्ञान होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 37 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को जो UR है उनको 1000 रुपए, SC OBC और EWS को 250 रुपए, EXSM को 200 रुपए और PH को 500 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। आखिरी तारीख 5 फरवरी 2022 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप SSB.punjab.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन JPSC की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है मेडिकल ऑफिसर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 234 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास MBBS और 1 साल का इंटर्नशिप होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 23 से 35 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR, EBC और OBC, EWS को 600 रुपए, SC ST को 150 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। आखिरी तारीख 9 फरवरी 2022 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.jpsc.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम आखिर में बात करेंगे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है असिस्टेंट मैनेजर, माइनिंग फोरमैन, मैकेनिकल फोरमैन, मैगजीन क्लर्क, माइनिंग मेट, माइन सर्वेयर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, इलेक्ट्रीशियन। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 104 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास मैट्रिकुलेशन और ITI डिग्री डिप्लोमा रेलेवेंट फील्ड में होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम 63 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इंटरव्यू तारीख 8 फरवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर www.hindustancopper.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही साप्ताहिक रोजगार समाचार में आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।